पहले जिंदगी ऐसी नहीं थी, पर अब सब कुछ बदल गया है। मेरा बेटा एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है, मेरी बहू और बच्चे बहुत खुश है, और रितु और मैं आराम की जिंदगी जी रहे हैं। हमें जिंदगी से और क्या चाहिए? थैंक्स टू रेवा जी ऑफ डिवाइन वास्तु। विजिट divinevastu.net। डॉक्टर रेवा कुमार, योर वास्तु स्पेशलिस्ट। Well, welcome listeners. Welcome to Radio Zindagi 1550 AM and 99.7 FM HD3. मैं हूँ आपके साथ में ईरा और शो लेके आए हैं डिवाइन वर्ल्ड ऑफ वास्तु एंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजी। जी हाँ, 2 से 3 बजे के बीच में हमारे साथ में इस शो पे जुड़ते हैं वर्ल्ड रिनाउंड एस्ट्रोन्यूमरोलॉजिस्ट रितेश कुमार जी, और जो लोग उनसे बात करना चाहते थे लेकिन ऑन एयर फोन नहीं कर पाए, अब आप उन्हें उनके सेल पे फोन कर सकते हैं। नंबर है 510-931-3107, दैट्स 510-931-3107। अब वक्त होता है जब हमारे साथ में 3 से लेकर 4 बजे तक जुड़ती हैं वर्ल्ड रिनाउंड वास्तु स्पेशलिस्ट रेवा कुमार, वास्तु स्पेशलिस्ट ऑफ डिवाइन वास्तु। रेवा जी आती हैं 3 से 4 बजे इस शो पे और हमें वास्तु के बारे में ऐसी इनसाइट्स देती हैं जो हमें कई बार समझ में नहीं आता कि अच्छा ऐसी भी बात हो सकती थी। अब आज का जो टॉपिक है वो भी काफी स्पेशल है, उसको सुन के आपको लगेगा कि ये तो हमें नहीं पता था कि ये भी एक कारण हो सकता है जिसमें वास्तु कैन हेल्प अस। वास्तु कैन डेफिनेटली हेल्प अस। इट इज नॉट जस्ट अबाउट प्लेसिंग योर फर्नीचर, इट्स नॉट जस्ट अबाउट मनी, बिजनेस ग्रोथ, नो, देर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स दैट वास्तु ऑल्सो टेक्स केयर ऑफ। फैमिली फॉर एग्जाम्पल, एक हिंट देती हूँ कि फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होती है हर किसी की लाइफ में, और फैमिली बढ़ाने के लिए, फैमिली में प्रॉस्पेरिटी लाने के लिए, फैमिली को एक जोड़ के रखने के लिए भी वास्तु बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी सवाल लिसनर्स आपके होते हैं आप रेवा जी से फोन पे बात कर सकते हैं। स्टूडियो नंबर है 510-270-8830। थोड़ी ही देर में कॉल लाइन हम ओपन करेंगे 510-270-8830। और रेवा जी से अगर आप शो के बाद में डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहें तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 510-868-3338 पर, दैट्स 510-868-3338। यू कैन ऑल्सो सेंड हर एन ईमेल ऑन डिवाइन AVC, ए फॉर एप्पल, वी फॉर वास्तु, सी फॉर चार्ली, divineavc@gmail.com, एंड यू कैन फाइंड आउट मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट रेवा जी ऑन हर वेबसाइट विच इज divinevastu.net। उनकी वेबसाइट पे जब आप जाते हैं यू कैन सी द वेरियस सर्विसेज दैट शी हैज टू ऑफर फॉर यू, क्या उनकी टेक्निक्स हैं, क्या उनका हिस्ट्री है, और वास्तु में कौन कौन से एरियाज हैं जहां वास्तु आपको हेल्प कर सकता है। सो मच एंड मोर ऑन हर वेबसाइट divinevastu.net। तो आइए पहले बात करते हैं रेवा जी से। रेवा जी, जय माता दी। जय माता दी ईरा, हमारे लिसनर्स आपको भी नमस्कार। जय माता दी। जी हाँ, बहुत ढेर सारा प्यार। और शुरुआत में से ही, पहले से ही कहना चाहेंगे जन्माष्टमी का। कल है जन्माष्टमी, जन्माष्टमी कान्हा जी का जन्म हुआ, और कहते ना कि बुराई को खत्म करने के लिए जी। तो कान्हा के जन्मदिन पे, जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर आप सबको हमारे रेडियो जिंदगी 1550 परिवार और वर्ल्ड ऑफ डिवाइन वास्तु की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं जी। रेवा जी, कृष्ण भगवान की पूजा करते हैं, इनफैक्ट इस टाइम पे वो मैंने देखा है हमारे फ्रेंड्स के यहाँ पे जहाँ पे पूजा होती है, पूरा जैसे कृष्ण जन्म होता है, कैसे वो देवकी मैया के साथ में और पूरा मंदिर बनाते हैं, पूरा उनका बर्थ होता है, बहुत अच्छा लगता है, इट इज वेरी ब्यूटीफुल। तो वी डू होप कि सबकी जन्माष्टमी जो त्योहार है, फेस्टिवल है, सबका बहुत अच्छा जाए। रेवा जी, फेस्टिवल की बात कर रहे हैं, कृष्ण जी की बात कर रहे हैं, तो बाल गोपाल जो उनका रूप है वो सब बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, बहुत प्रिय है सबको। तो रेवा जी, टॉकिंग अबाउट बाल गोपाल और वास्तु में, जैसे मैं लिसनर्स से फैमिली की भी बात कर रही थी, कई से एवरीबडी वॉन्ट्स टू एक्सटेंड देयर फैमिली एंड पीपल वॉन्ट कि भाई सबके घर में एक हेल्दी फैमिली हो, बच्चे वगैरह हो, पर अनफॉर्चुनेटली रेवा जी कई बार ऐसा भी होता है कि लोग इतने ब्लेस्ड नहीं होते हैं उस टाइम पे कि वो कई बार बहुत सालों तक ट्राई करते रहते हैं बट इट जस्ट डजंट हैपन। सो उसमें भी मतलब मैं आई एम टोटली कन्विंस, मैं समझती हूँ कि इसमें वास्तु का एक एंगल हो सकता है, आप क्यों लिसनर्स को बताते नहीं आज इस बारे में, थोड़ा बताइए प्लीज। जी हाँ, मैं बताना चाहूंगी क्योंकि ये बिल्कुल सही बात है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि हमारी फैमिली बड़े एक्सटेंड हो, और वास्तु के हिसाब से ये नहीं कि सिर्फ अमेरिका में ही, ऑल अराउंड द वर्ल्ड जहां जहां पे भी हमने वास्तु के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया है, बिलीव लिसनर्स इट इज ट्रू कि दे ऑल आर ब्लेस्ड विद चिल्ड्रन, चाहे वो बेबी बॉय है, चाहे बेबी गर्ल है, इसमें नहीं, चाहे उसमें हमारे कई मेरे ऐसे क्लाइंट्स अमेरिकन्स भी हैं,
सो इट्स नथिंग लाइक दिस कि हम नहीं ब्लेस हो सकते. हाँ, मेडिकली मैं ये कहूँ कि आप डॉक्टर्स की एडवाइस नहीं लें, ये गलत है, आपको लेना चाहिए. लेकिन कई बार होता है ना कि हीरा हम ले रहे हैं लेकिन उसके बाद में भी मेडिसिन से रेस्पॉन्स नहीं कर रही है, या बार बार वो देखते हैं कि डिले हो रहा है, या अनफॉर्चुनेटली कई बार अबॉर्ट हो जाता है. तो ये सब चीजें अगर होती हैं तो वहां कहीं ना कहीं वास्तु डिफेक्ट अगर हो तो उसकी वजह से होता है. सो आज का शो मैं डेडिकेट करती हूँ जन्माष्टमी के शुभ अवसर के ऊपर मैं अपने उन लिसनर्स के लिए कि जो चाह रहे हैं लेकिन कंसीव नहीं कर पा रहे, या कहीं अबॉर्ट हो जाता है, या अपने फैमिली को एक्सटेंड नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए है जी. तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है, कुछ चीजें बहुत ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर आपका नॉर्थ ईस्ट में या स्टेयर्स के नीचे कहीं पे भी बाथरूम होगा तो आपको फैमिली लाइफ को आगे एक्सटेंड करने में, कंसीव करने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं जी. और अगर आप कंसीव भी कर रहे होंगे तो जो 9 मंथ्स का टाइम पीरियड ड्यूरेशन है वो बहुत ही हार्डशिप से निकालना पड़ता है. मतलब कि कहीं ना कहीं हमारे को बार बार हॉस्पिटल जाना, या कुछ ना कुछ मदर चाइल्ड दोनों की हेल्थ को लेकर बहुत ज्यादा चलता है. ये सीढ़ी के नीचे बाथरूम न होने का आपने पहले भी एक बार बहुत इम्पोर्टेंस बताई है. इसके साथ साथ में ईरा कई बार ऐसा भी हो जाता है कि बच्चे का जन्म सही नहीं होता, ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं. नेक्स्ट, अगर आप नॉर्थ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम है, आप वहां सो रहे हैं, आप कंसीव तो कर जाएंगे, इसमें कोई झूठ नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके बाद में 3rd मंथ या 4th मंथ में कहीं ना कहीं अबॉर्शन या मिसकरेज हो जाता है. या साउथ ईस्ट में अगर आपका बेडरूम है ड्यू टू फायर एलिमेंट तो भी आपको 3rd या 5th मंथ के ऊपर में ऐसे दौर से निकलना पड़ता है जी. तो कहने का सिर्फ यही मतलब है कि ये जो डायरेक्शंस हैं, क्योंकि इनके अपने अपने एलिमेंट्स हैं, इनका अपना अपना प्रभाव है हमारे ऊपर में. तो मैं जब ऐसा कोई मेरे पास में क्लाइंट आता है तो मैं उनको ये जरूर कहती हूँ कि लेट देम फॉलो मेडिसिन को, या जो भी उनका मेडिकल ट्रीटमेंट चल रहा है वो चलते रहने दीजिए, उसे आप नहीं रोकें, लेकिन उसके साथ साथ आपको फॉलो करना है वास्तु प्रिंसिपल्स को. हम लोग ऑन एयर नाम नहीं लेते, लेकिन इट इज ट्रू, देयर वाज अ टाइम दे आर इन शिकागो, हमारे उनके जो फैमिली है, उनके ब्रदर्स हैं, दे आर वेरी क्लोज टू मी, दे आर इन बे एरिया एंड दे आर वेरी क्लोज टू मी. तो उन्होंने बोला कि मुझे लास्ट ईयर वो जब मिले उनके मदर आगे इंडिया से आए थे, एंड शी सेड कि नहीं, हमारे को तो हमारे गुरुजी ने एस्ट्रोलॉजर हैं, गुरुजी हैं, उन्होंने ये बोला है कि मेरे बेटे के घर में तो बच्चा कभी होगा ही, एक बेटिया है उनके घर में लेकिन पिछले 12 साल से ट्राई कर रहे थे तो नहीं, लेकिन नहीं होगा. तो देन आई सेड कि ऐसी कोई बात नहीं है, भगवान पे आप भरोसा रखिए, लेकिन होगा इसी साल में ही, बट दे हैव टू फॉलो प्रिंसिपल्स जी. वही हुआ, दे ट्राई टू फॉलो, जैसे ही हुआ उनको, मैंने सारा अपार्टमेंट में रह रहे थे, आई चेंज द बेडरूम लोकेशन, सब चेंज कर दिया, सारी लोकेशन बेडरूम की चेंज करी, साथ में जो जो मैं टूल्स देती हूँ, क्योंकि अपार्टमेंट रहने से पूरी शिफ्ट नहीं कर सकती, बेडरूम की एनर्जी को शिफ्ट किया जी. और क्रिस्टल की हेल्प लेकर हमने एक ट्रीटमेंट देते हैं जिससे उनको मेडिसिन का भी पूरा हेल्प हो, और हस्बैंड को और वाइफ को दोनों को लेके, मीन्स कि आपको मेल एनर्जी फीमेल एनर्जी दोनों को बैलेंस करके आपको कराना है. इस तरीके से जब उनका ट्रीटमेंट किया, गॉड ब्लेस, नाउ दे आर गोइंग, दे विल बी गोइंग, मैं कहूंगी दे विल बी गोइंग टू ब्लेस विद बेबी बॉय, एंड द ड्यू डेट उनकी सितंबर में. हाउ नाइस, टच वुड, कांग्रेचुलेशंस. अगर वो सुन रहे हैं तो उनके ब्रदर वगैरह सब यहीं पे ही रहते हैं. तो मेरा ये कहने का ये मतलब है कि ये जो एलिमेंट्स हैं, ये जो डायरेक्शंस हैं, ये बिल्कुल वाकई ही हमारी लाइफ में बहुत हेल्प करती है, बट यू हैव टू फॉलो देम जी. कई ऐसे क्लाइंट्स हैं, एक और हमारे क्लाइंट है, उन्होंने इतना सिंसियरली इसको फॉलोअप किया कि हर दिन को, हर तारीख को, हर चीज को उन्होंने अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल्स, जबकि उनके घर को हमने रेक्टिफाई भी किया, बट आफ्टर दैट 12 मंथ्स दैट लेडी वॉज स्लीपिंग इन प्रॉपर डायरेक्शन इन साउथ वेस्ट. उसके बाद कंसीव करने के बाद में भी वो साउथ वेस्ट में रही. अब कि उनका बेडरूम को हमने रेक्टिफाई किया है साउथ ईस्ट को, अब बच्चा भी 1 साल के, एक और फैमिली के बारे में बात बता रही हूँ, उस समय उनका बच्चा 1 साल से ऊपर हो गया, नाउ दे हैव गॉन बैक टू देयर प्रीवियस रूम जो साउथ ईस्ट था, जिसकी एनर्जी को शिफ्ट करके साउथ वेस्ट में किया गया, वहां पर भी नॉर्थ ईस्ट में बाथरूम था, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट इज रिलेटेड विद द जुपिटर प्लैनेट, जहां से आपको ब्लेसिंग्स एनर्जी मिलती है. अगर वहां पे टॉयलेट होगा तो आप कैसे कर सकते
हैं। घर का जो ब्रह्म स्थान है, सेंटर पार्ट ऑफ द हाउस, अगर वहां पे सीढ़ियां होंगी या बाथरूम होगा कि वो हमारा बेली बटन है। अब वहां से अगर जो आप देखें कि एक नाड़ होती है जो बच्चा पैदा होता है, जो कॉर्ड होती है माँ और बच्चे की, वहां से होती है, तो इट मीन्स कि उस जगह को डिप्रेशन मिल रहा है, वो जगह डिप्रेस हो रही है, तभी उस वजह से आपको स्टमक से जुड़ी या बच्चे की चीजों से बाहर निकलना पड़ रहा है। नॉर्थ वेस्ट एयर एलिमेंट है, कंसीव करने में ठीक रहेगा, लेकिन थर्ड मंथ के बाद ड्यू टू एयर एलिमेंट कहीं ना कहीं अबॉर्शन आ जाती है। साउथ ईस्ट में होगा फायर एलिमेंट है, अगर आप साउथ ईस्ट में फायर एलिमेंट की तरफ सो रहे हैं, ब्लड लॉस, ये सब लॉसेस के साथ में आ जाता है। लेकिन इसके साथ साथ अगर साउथ वेस्ट डायरेक्शन हमारा एक्सटेंडेड होगा या जिसका वेस्ट कॉर्नर एक्सटेंडेड होगा, तो भी आपको फैमिली एक्सटेंड करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं और पता चलता है कि हम आप अपने इस सुख से हम लोग वंचित हैं। जी, तो रेवा जी इसके बारे में और बात करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं लिसनर्स को सिर्फ याद दिलाऊंगी कि लिसनर्स, वी हैव डॉक्टर रेवा कुमार वास्तु स्पेशलिस्ट ऑन एयर विद अस, एंड टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट यू नो प्रॉब्लम्स इन कंसीविंग दैट पीपल फेस एंड हाउ वास्तु कैन बी अ फैक्टर इन इट, कैसे आप वास्तु के डिफेक्ट को रेक्टिफाई करके फैमिली का ध्यान रख सकते हैं। ऑफ कोर्स धन दौलत बिजनेस इन सब रिलेशनशिप्स को तो आप ध्यान दे ही सकते हैं, यू कैन इम्प्रूव देम, बट दिस इज ऑल्सो वन एरिया जहां पे वास्तु का एक रोल हो सकता है, होता है। तो लिसनर्स, कोई भी सवाल आपके पास में हो प्लीज डू कॉल 5102708830, दैट्स द स्टूडियो नंबर। और मैं साथ साथ ये भी बता दूं कि हमारे जो भी कॉलर्स होंगे, जब वो फोन करते हैं, दे एंटर अ रैफल, हमारे दो प्राइजेस हैं आज, और आप अपने सवाल पूछ सकते हैं, रेवा जी के जवाब होंगे, फिर रेवा जी आपसे एक सवाल पूछेंगी एंड यू हैव टू गिव द राइट आंसर। सो उसके लिए आप फोन कीजिए 5102708830। एक प्राइज है हमारा रॉयल राइस बैग फ्रॉम आर स्पॉन्सर्स रॉयल राइस, एंड वन प्राइज इज अरिजीत सिंह के शो की वन फ्री टिकट। रेवा जी, हमारे पास ऑलरेडी कॉल्स आ रहे हैं जी, आप कहें तो मैं कॉल्स लेना शुरू करूं। जी ऑल राइट, हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी, आप प्लीज रेडियो बंद करेंगे बैकग्राउंड में। हाँ जी, जी हाँ जी, बताइए। नमस्ते जी। हाँ जी, मेरा नाम स्वीटी है जी, बताए। हाँ जी, मेरा एक सवाल है जो जो आपने कहा उस बारे तो नहीं है, लेकिन आपने लास्ट वीक एक ना गोल्ड की इसके बारे में बताया था कि अगर वो साउथ वेस्ट के कॉर्नर में रखेंगे आप साउथ साइड में, तो 105% मतलब घर बनता है अपना, है ना? बिल्कुल बनता। तो हाँ जी, तो मैं पूछना चाहती थी कि अगर वो गोल्ड का सिक्का हो तो क्या वो रख सकते हैं? जी नहीं, सिक्का नहीं, वो बिस्किट की तरह एक ईंट की शेप के बीच में मिलता है, रेक्टेंगल या स्क्वायर, राउंड नहीं। ओके, तो बिस्कुट रख सकते हैं? जहाँ बिस्किट रख सकते हैं वो ईंट की शेप में हो जाता है, ब्रिक की शेप में है वो, सॉलिड है। थैंक यू सो मच रेवा जी, थैंक यू जी। जी स्वीटी जी, एक जल्दी से सवाल मैं पूछना चाहती हूँ आपसे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। आप कहाँ से बोल रहे हैं? जी मैं हेवर से बोल रही हूँ। अगर आप हेवर से बोल रहे हैं, स्वीटी जी एक छोटा सा सवाल है कि अगर हम कोई भी घर लेना चाहते हैं तो अकॉर्डिंग टू वास्तु प्रिंसिपल उसकी सबसे अच्छी शेप कौन सी होनी चाहिए? शेप या दिशा? मैं दिशा नहीं, शेप, मतलब घर का राउंड शेप होना चाहिए, रेक्टेंगल होना चाहिए, ट्रायंगुलर होना चाहिए, जो शेप ऑफ द लॉट वो कौन सा होना चाहिए? ये रेवा जी मेरे को नहीं पता, सॉरी, मेरे को फिर इतना पता है कि किस दिशा में होना चाहिए। दिशा तो जब से मैं आपका प्रोग्राम सुन रही हूँ तब से ये मेरे को पता है, लेकिन ये मेरे को पहली बार ही पता चला कि ये भी होता है इसमें। जी बिल्कुल होता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो अब आप ब्रिक रखेंगी, जल्दी से आपका अपना घर बनेगा, तो जब अगर आप दिशा देखेंगी घर के सामने की, तो ये भी देखिए कि घर की शेप क्या है, क्या वो चौरस है कि नहीं है, लंबाई में रेक्टेंगल है कि नहीं है, काउ फेस है या कैसा फेस है, राउंड नहीं लीजिए, ट्रायंगुलर शेप में मत लीजिए, मतलब कि जो चार कोने होते हैं घर के वो एक तरह के बराबर होने चाहिए, ना कोई आगे बढ़ना चाहिए ना कोई कमती होना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग लिसनर्स, वंस अगेन इफ यू ऑल्सो हैव एनी क्वेश्चन 5102708830 है स्टूडियो का नंबर, 5102708830। और रेवा जी से अगर आप शो के बाद डायरेक्टली बात करना चाहते हैं या अपॉइंटमेंट फिक्स करना चाहते हैं तो आप उन्हें फोन कर सकते हैं ऑन 5108683338। रेवा जी खुद विजिट करती हैं
आपका घर हो या वर्क प्लेस हो, एंड नॉट ओनली इन कैलिफोर्निया और द बे एरिया, रेवा जी ट्रेवल्स ऑल ओवर द कंट्री, उनके सभी जगह क्लाइंट्स हैं, वो बहुत ट्रैवल करती हैं, एंड शी वर्क्स इंडिविजुअली अपने आप, वो आपके आप फोन करेंगे, यू विल स्पीक टू हर डायरेक्टली, यू विल फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद हर, शी इज द वन हु विल विजिट यू. स्टूडियो का नंबर 5102708830. रेवा जी लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय हाउस. बताइए. My house is on the east side, and I was wondering, my bathroom's right under, my house is on the east, and my house is right under, like, the staircase, and then my staircase is pointing east, so I don't know what to do about my bathroom, because it's right under my stairs, and it's facing east, so what should I do about that? Okay, the bathroom is also under the stairs? Yes. Oh, okay. So, but it is facing towards the east or northeast or southeast? Can you let me know, please? East. Hello? Hello? Yes, hello? Yes. Hello? Can yes. you let me know which direction your house main entrance door is facing? Yes. Is it towards the east or northeast or southeast? It's in the northeast. It is in the northeast, but you are having a restroom under the stairs. Yes. From how long you are staying in this house? About 2 years. About the 2 years. Okay, do you have a child? I have two. I have two. Any childbirth at this house? What? Any no. birth at this house? No. No. How are you feeling? How is your health? It's good. It's good. Everything is fine? Yes. Ye bachchi lag rahi hai awaaz se. I'm not getting the right swipes from you. Okay. Hello? I'm telling you, क्योंकि ये okay. because इसकी आवाज से ही लग रहा है कि बहुत छोटी बच्ची है, and she's giving the answer, but I'm not getting the right person. All right. कोई बात नहीं भाई, अगले कॉल को लेते हैं. एंड listeners, If you have any questions, जरूर फोन करें. 510. मैं सबसे पहले तो आपको ये बताऊं listeners की, अगर आप ये सोचते हैं कि कई बार हम लोग आपको प्राइजेस देते हैं या रफल्स देते हैं, तो उसमें अगर आप किसी बच्चे को लेकर अगर देते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, ऐसा नहीं करें. और अगर आप खुद आकर सवाल करेंगे या हम आपसे पूछेंगे, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दैट्स व्हाई आई वाज हैविंग यू, क्योंकि उसकी आवाज से, उसका आंसर से जो ही लग रहा था मेरे को कि दैट वाज नॉट अ पर्टिकुलर, दैट्स व्हाई आई पॉइंटेड फॉर दिस. ओके, ऑलराइट रेवा जी, लेट्स मूव ऑन एंड स्पीक टू अवर नेक्स्ट कॉलर. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. आप प्लीज बैकग्राउंड में रेडियो बंद करेंगे. हेलो हेलो. ओके, आई विल हैव टू ड्रॉप दैट कॉल एंड मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हाय, मुझे रेवा जी से एक सवाल पूछना था मास्टर बेडरूम के बारे में. जी हाँ, बताएं. हमारा मास्टर बेडरूम था वो साउथ ईस्ट डायरेक्शन में था, और मैंने पढ़ा था कि साउथ ईस्ट में नहीं होना चाहिए. जी, हम शिफ्ट लिया साउथ वेस्ट वाले बेडरूम में. जी, तो उसका कोई प्रोसेस होता है शिफ्ट करना, या फिर हम डायरेक्टली शिफ्ट करें तो चलता? नहीं, इसका कोई ऐसे प्रोसेस नहीं होता, इट्स नथिंग लाइक दिस. आप शिफ्ट कर सकती हैं, किसी भी समय शिफ्ट करें, साउथ वेस्ट में शिफ्ट करें. सोते वक्त कोशिश करिए कि आपका सर साउथ की तरफ हो, पांव नॉर्थ की तरफ हो, लेकिन सर के पीछे कोई विंडो नहीं होनी चाहिए, या आपके जो पांव है वो दरवाजे को पॉइंट नहीं करें, इस चीज का बस ध्यान रखें. ओके, थैंक यू रमेश. आपका शुभ नाम, आप कहाँ से बोल रहे हैं? बिंदु. बिंदु जी कहाँ से बोल रही हैं? सनी विल से बोल रही हैं. बिंदु जी, अगर आपको साउथ वेस्ट में अगर आपका मास्टर बेडरूम अगर आपने शिफ्ट कर लिया है, तो दैट्स वेरी गुड. अगर आपको उस बेडरूम में कहीं मिरर लगाना है, तो कौन सी वॉल पे लगाएंगी, और लगाना ठीक भी है कि नहीं, जरा ये बताएंगे? मगर मतलब कोई भी बेडरूम में मिरर लगाना? नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट योर बेडरूम, मास्टर बेडरूम. सॉरी, आई एम टॉकिंग अबाउट योर मास्टर बेडरूम साउथ वेस्ट. मिरर मुझे ये पता है कि साउथ वॉल पे नहीं होनी चाहिए, और आपके आप जब सो तो आपके फेसिंग नहीं होनी चाहिए. जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा. तो बिल्कुल, मैं तो यही कहना चाहूंगी कि आप मिरर लगाइए ही नहीं. ओके, क्योंकि रिफ्लेक्ट नहीं करना चाहिए. अगर आपको देखते हैं कि प्रॉपर शेप है, और आपके कर ईस्ट या नॉर्थ वॉल पे लगेगा जो आप पे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, दैट इज द राइट प्लेस. अगर आप पे वो रिफ्लेक्ट करता है, तो उसको जरूर अवॉइड करें, और आपने बिल्कुल सही आंसर दिया. थैंक यू सो मच, एंड यू हैव एंटर्ड द रैफल, सो आप स्टे ट्यून्ड, एंड थोड़ी देर में हम बताते हैं हमारे विनर्स कौन कौन हैं. लेते हैं अगला कॉल.
हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो रेवा जी, मैं मधु बोल रही हूँ. नमस्कार जी. आपने लास्ट टाइम ना वो सी सॉल्ट को कुछ बतलाया था नेगेटिव एनर्जी अवॉइड करने के लिए, कि पानी में डाल के रखना चाहिए. जी नहीं, पानी में मधु जी कभी नहीं डाल के रखना चाहिए. सी सॉल्ट को छोटी सी डिश ले लीजिए, डिश में डाल के थोड़ा सा टॉयलेट सीट के पास में या बाथरूम में रख दीजिए. अपने आप ही अगर वो नेगेटिविटी होगी तो ऑब्जर्व करके खुद बे खुद उसमें मॉइस्चर आ जाएगा, पानी छूट जाएगा. फिर उसको आप दोबारा फ्लश करके उस सॉल्ट को रिफिल करके रख दें. तो ये डेली रखना चाहिए? हफ्ते में एक बार तो आदत जरूर बनाएं करने की. हाँ? जी ओके. हेलो जी. हेलो हेलो स्टिल देयर? जी मधु जी, मेरा सवाल है आपसे. जी मधु जी, अगर आपको घर में पूजा करनी है तो किस डायरेक्शन में करनी है? आप तो सारे प्रोग्राम सुनती है मधु जी, सही बात है. और कई बार तो रेवा जी ऐसा होता है कि हमारी तो कॉल्स की बोनी ही मधु जी के कॉल से होती है. लेते हैं अगला कॉल. हेलो हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो, आई वांटेड टू आस्क इफ यू हैव अ बाथरूम अंडर द स्टेयरकेस, व्हाट इज द रेमेडी फॉर दैट? डियर देखिए, अगर यू आर हैविंग ए बाथरूम अंडर द स्टेयर, सबसे पहले तो मैं टू बी वेरी फ्रेंक, मैं इसके जो मेरी लाइफ से ये बहुत जुड़ा हुआ एक ये हिस्सा है, उसमें मैं हर किसी को ये कहती हूँ कि बेटर है उसको क्लोज कर दीजिए. लेकिन ये भी जानती हूँ कि इट इज नॉट पॉसिबल, यहाँ पे सबके लिए पॉसिबल नहीं है. उसको रेक्टिफाई करने के लिए यू हैव टू कट ऑफ दैट एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कट ऑफ दैट एनर्जी विद द हेल्प ऑफ सम टूल्स. फिर आप उसकी एनर्जी को शिफ्ट करेंगे वहां से नॉर्थ वेस्ट की तरफ में. लेकिन टेम्परेरी अगर आप थोड़ा रिलीफ लेना चाहती हैं तो उसके लिए आप एक तो उसके डोर के ऊपर में राइट बैक टू फोर्थ, मतलब कि फ्रंट और बैक दोनों साइड पे स्क्वायर या रेक्टेंगल मिरर जरूर लगाइए. बैम्बू प्लांट्स का 3 शूट्स का प्लांट वाटर सिंक के पास या टॉयलेट सीट के पास में रखें. जो प्लांट है उसको टाई करें रेड रिबन के साथ में, उसमें कॉपर का पैनी डालें. साथ ही साथ एक छोटे से डिश में सॉल्ट डालकर टॉयलेट सीट के पास में रखें. इससे आपको थोड़ा रिलीफ जरूर मिलेगा. लेकिन अगर आप परमानेंट बिल्कुल चाहती हैं, मैं आपको जरूर उसकी, अगर आप चाहें तो आप हमारे से कट ऑफ भी करवा सकती हैं, उस एनर्जी को शिफ्ट भी करा सकती हैं. लेकिन अबव ऑल ये जरूर एडवाइस देती हूँ कि बंद कर दें तो दी बेस्ट. अच्छा, और इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका बहुत है, इट ब्रिंग्स ऑलवेज द सीरियस हेल्थ इश्यूज जनरेशन टू जनरेशन. ओके जी, मैं बिल्कुल सब कहूंगी, सीरियस हेल्थ इश्यूज लेकर आता है जनरेशन टू जनरेशन, इसमें कहीं झूठ नहीं है. एंड आई एम नॉट स्केयरिंग एनीवन. आपका नाम? आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं डबलिन से बोल रही हूँ, बबीता. बबीता जी, ओके. बबीता जी, एक सवाल मैं आपसे करना चाहती हूँ. अगर घर का स्टेयर्स कोई भी मेन एंट्रेंस डोर को पॉइंट करे तो क्या उसको कैसे ठीक करेंगे आप? यू कैन पुट सिल्वर समथिंग टू रिड्यूस द इफेक्ट आई थिंक. जी नहीं, सिल्वर क्यों करेंगे, वहाँ फायर थोड़ा बच्चे. घर का मेन डोर अगर सीढ़ियों को पॉइंट करे, सीढ़ियों को पॉइंट करे, मतलब कि सीढ़ी है जो स्टेप्स है, आपका स्टेप्स है घर के अंदर की जो सीढ़ी है, अगर वो आपके मेन डोर को पॉइंट करती है जी. उसका मैं कह रही हूँ. हम हाउ वी कैन रेक्टिफाई इट? नो मैम, आई डोंट नो. चलिए मैं आपको जल्दी से बताती हूँ. उसको रेक्टिफाई करने के लिए आप स्टेयर्स के स्टेप्स, क्योंकि आपकी जो एनर्जी है वो बाहर जा रही है, जैसे ही आप दरवाजा खोलेंगे उसकी जितनी भी फोर्स है, फोर्स की वो एनर्जी सारी बाहर चली जाएगी. तो आपको क्या करना है, आप राइट या लेफ्ट दोनों साइड में स्टेयर्स के राइट लेफ्ट में ग्रीन कलर के प्लांट्स रखें. ओके. वो आपको हेल्प करेंगे ताकि जो हमारी एनर्जी है वो बाहर नहीं जाए, पॉजिटिव वाइब्स. ओके, थैंक यू. ये थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग इन. और लिसनर्स फिर से याद दिला दें कि रेवा जी से अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो नंबर है 5102708830. वो है स्टूडियो का नंबर 5102708830. एंड टू कनेक्ट विद रेवा जी आफ्टर द शो यू कैन कॉल ऑन 5108683338. और हम फिर से याद दिला दें कि अगर आप आईफोन यूजर हैं या एंड्रॉयड यूजर हैं तो आप अपने फोन में, स्मार्टफोन में डिवाइन वास्तु की ऐप डाउनलोड कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी वेरी यूजफुल टूल. उसमें एक कंपस है, जब आप खोलते हैं जैसे जैसे आप फोन मूव करेंगे वैसे वैसे वो पूरा कंपस घूमता चला जाएगा. एंड यू कैन एक्चुअली ड्रैग एंड ड्रॉप फ्यू थिंग्स टू मेक योर घर का मैप एंड कौन सी चीज कहाँ है उस हिसाब से आपको. आपने ट्राई किया रेवा जी? मैं तो सबसे पहले ट्राई किया है. आई एम सो हैप्पी. यू कैन एक्चुअली गेट अ रिपोर्ट ईमेल टू योर सेल्फ.
और जस्ट गो टू द प्ले स्टोर या एप स्टोर में डिवाइन वास्तु सर्च करें, आपको ये ऐप मिल जाएगी. इट्स अ वेरी इजी टू यूज ऐप. एंड इसके साथ में रेवा जी लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. नमस्ते रेवा जी. आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माय टेंपल. टेंपल नीचे फ्लोर पे रखना चाहिए या टेबल पे रख सकते हैं? देखिए, अगर आप नीचे जमीन पर बैठ के पूजा करती हैं, मतलब कि कई बार हो जाता है अकॉर्डिंग टू एज या आपके पेरेंट्स या इन लॉज हैं नहीं बैठ सकते जमीन पे, कोई नीज प्रॉब्लम्स हैं, किसी स्टूल पे बैठना पसंद करते हैं, तो हमेशा टेम्पल ऊंचा होना चाहिए. अगर आप जमीन पे रखते हैं तो आपको खुद भी जमीन पे बैठा होना चाहिए. कहने का ये है कि अगर आप बैठते हैं तो आपकी बेली बटन से ऊंचा भगवान दिखाई देना चाहिए, आप भगवान से ऊंचे नहीं हो. ओके, तो इस तरह से आप बैठिए. अच्छा अच्छा, ठीक है जी. आप कहाँ से बोल रहे हैं? मैं सैन होजे से बोल रही हूँ. क्या नाम है आपका? तृप्ति. तृप्ति, ओके. तृप्ति जी, एक चीज और बताइए, अगर आपके घर में अगर किचन नॉर्थ ईस्ट में है और कुकिंग स्टोव भी नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ आ रहा खाना बनाते हैं, तो क्या आप उसको रेक्टिफाई करना चाहिए कि नहीं अकॉर्डिंग टू वास्तु? हाँ, करना चाहिए, क्योंकि किचन में आपका प्रोग्राम काफी बार सुनती हूँ, तो आप हमेशा बोलते हो किचन साउथ ईस्ट में होना चाहिए जी, और स्टोव भी ईस्ट की तरफ होना चाहिए, सो यू शुड बी फेसिंग ईस्ट व्हेन यू आर कुकिंग. वेरी गुड तृप्ति. लेकिन इसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे आप? रेक्टिफाई करना मुझे शायद नहीं याद है, आई डोंट रिमेम्बर. चलिए, फिर भी आपने आंसर काफी सही दिया. यस, वी कैन इजिली रेक्टिफाई देम बाय, देखिए अगर हम एनर्जी शिफ्ट करते हैं वो दैट्स टोटली डिफरेंट. वो आपको परमानेंट फॉर एवर के लिए करते हैं, जहां हम रेनोवेशन नहीं कर सकते हैं. लेकिन जहां आप सोचते हैं कि अभी हमारा रेंटल अपार्टमेंट है या हम रेंट पे बेसिस पे रह रहे हैं, तो आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सिल्वर मिरर. मतलब कि सॉरी, आई एम नॉट सिल्वर मिरर, आई एम सम सिल्वर वायर. अगर आप कुकिंग स्टोव के चारों तरफ सिल्वर वायर लगाएंगे तो फायर एलिमेंट को ठंडा कर रहे हैं, वो आपको बहुत मदद करेगा. अच्छा, थैंक यू रेवा जी. यू वेलकम डियर, गॉड ब्लेस यू. थैंक यू वेरी मच. तो रेवा जी, डस शी एंटर द रैफल? जी हाँ. लेते हैं अगला कॉल. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हाई, आई हैव अ क्वेश्चन अबाउट माई जॉब चेंज. सो आई हैव बीन ट्राइंग फॉर सम टाइम बट नथिंग इज वर्किंग आउट, सो आई वांट टू नो इफ देयर इज समथिंग आई कैन डू. आपका नाम और कहाँ से बोल रहे हैं आप? माय नेम इज मानसी सनीवे. मानसी कॉलिंग फ्रॉम सनीवे. सो अगर जॉब के लिए मैं आपको एक टिप दे सकती हूँ जो काफी लोगों को फायदा दिया है, होप कि आपको भी बहुत फायदा देगी है. आप एक काम करें, अगर आपके घर का जहां पे भी लिविंग रूम है उसका नॉर्थ डायरेक्शन में, दिस यू हैव टू कीप इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग रूम, आप अपने घर के या फैमिली रूम या फॉर्मल लिविंग रूम के नॉर्थ डायरेक्शन में व्हाइट मेटल का या पर्पल मेटल का वास लें. व्हाइट मेटल का वॉश लेंगे तो उसमें आप पर्पल कलर के आर्टिफिशियल फ्लावर्स या रियल फ्लावर्स रख सकती हैं, और अगर आप पर्पल मेटल वॉश ले रही हैं तो उसके अंदर में व्हाइट कलर के फ्लावर्स रख सकती हैं, रियल और आर्टिफिशियल. कीप इट इन द नॉर्थ डायरेक्शन ऑफ योर लिविंग रूम और योर फॉर्मल लिविंग रूम और योर फैमिली रूम, और फिर देखिए विद इन अ वीक और टू वीक्स आपको क्या फायदा होता है. रेवा जी, इनका कॉल ड्रॉप हो गया, बट लिसनर इफ यू स्टिल ट्यून्ड इन और राइफल में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो हमें फटाफट जरूर वापस फोन करें. रेवा जी विल आस्क यू अ क्वेश्चन एंड देन यू कैन एंटर द राइफल. मीनवाइल हम अपने अगले कॉलर से बात करते हैं जी. हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी. हेलो रेवा जी. जी हाँ, मेरा क्वेश्चन, मुझे मेरा जो एंट्रेंस है वो नॉर्थ वेस्ट में है जी. सो व्हाट आई हैव टू डू, लाइक मुझे पता है ये मतलब ठीक तो नहीं है, बट उसकी क्या रेमेडी होगी अगर मैं इसको ठीक करना चाहूँ तो? हमने ऑलरेडी खरीद लिया एक्चुअली. तो जी अपना नाम बताएंगे? अंजलि. कहाँ से बोल रहे हैं अंजलि जी? फ्रीमोंट से बोल रही हूँ जी. अंजलि जी, अंजलि जी अगर नॉर्थ वेस्ट में है तो वो स्टेबल नहीं होता, और अगर आपने खरीदने से पहले पूछती तो मैं आपको आपके फैमिली के आपके डेट ऑफ बर्थ ज्योतिष सेंस से जरूर बताती कि कौन सा डायरेक्शन फेवरेबल है. नॉर्थ वेस्ट पैसा जरूर लाता है, इसमें कोई झूठ नहीं है, लेकिन ये आपको घुमाता भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ये ट्रेवल कराएगा, बहुत ज्यादा घुमाएगा. तो मैं जानती नहीं कि बाकी रूम प्लेसमेंट्स क्या है,
वो आप अगर डिवाइन वास्तु का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बाकी रूम प्लेसमेंट्स ठीक हैं या नहीं है। लेकिन अगर मेन एंट्रेंस डोर का सिर्फ सवाल है तो उसको स्टेबल करने के लिए आप एक काम करिए, एक तो उस एंट्रेंस डोर के बाहर की तरफ, अगर आप अपने एंट्रेंस डोर पे खड़ी हैं और बाहर की तरफ देख रही हैं तो लेफ्ट साइड में 5, 6, और 7 रॉड्स का मेटल का विंड चाइम हैंग कर दीजिए। ठीक है, उसको विंड चाइम को हैंग करिए वहां पे। तो सेंटर में नहीं कर सकते, साइड में, लेफ्ट में? नहीं, हाँ जी, लेफ्ट में साइड में करेंगे। और जब आप घर के अंदर एंटर कर रही हैं तो राइट साइड में जो भी वॉल है वहां पर पीकॉक फेदर्स, ओरिजिनल पीकॉक फेदर्स रख दीजिए। इनसाइड? हाँ जी, इनसाइड ऑन योर राइट साइड, मतलब कि जो मेटल विंड चाइम लगा रहे हैं वो आप बाहर निकलते वक्त लेफ्ट में लगा रही हैं। इफ यू आर एंटरिंग इनसाइड देन इट हैज टू बी ऑन द राइट साइड। ओके, वहां पे लगाएंगे। थैंक यू सो मच, आई विल ट्राई टू डू दैट। यस, वेलकम अंजलि जी। अंजलि जी, अगर क्या ख्याल है, अगर स्विमिंग पूल नॉर्थ वेस्ट में बना दे चलेगा कि नहीं चलेगा? नॉर्थ वेस्ट में लेट मी थिंक, मैंने सुना है आपका प्रोग्राम नॉर्थ वेस्ट में। हाँ, नॉर्थ वेस्ट में तो ठीक है। हाँ, ठीक है पक्का सुना है प्रोग्राम। चलिए, अंजलि ने कह दिया है पक्का तो है, बना देंगे है, तो बना देंगे। पर वास्तु प्रिंसिपल्स कहते हैं नहीं बनेगा। अच्छा, नॉर्थ वेस्ट में कभी नहीं बनेगा, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट में बनेगा, नॉर्थ वेस्ट में नहीं। नॉर्थ तो था, मैं भूल ही गई थी, ट्रिकी। तो नॉर्थ वेस्ट में नहीं बनेगा, एयर एलिमेंट है तो वो ज्यादा आपको इमोशनली ज्यादा परेशान करेगा, बच्चों से जुड़े इश्यूज लेकर आएगा, गवर्नमेंट फियर लेकर आ जाता है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से प्रॉब्लम्स लेकर आता है। ड्यू टू वाटर एलिमेंट वहां पे नहीं होना चाहिए, इसलिए मैंने लिया ही नहीं था फूल वाला घर। चलिए, अच्छी समझदारी का काम चाहिए ही नहीं, जो पक्का नहीं है, व्हेन इन डाउट लीव इट आउट। जस्ट नेबर की में है, उसका नॉर्थ वेस्ट में ही है, तो उसको देख के मुझे टेंशन होती रहती है कि हाँ शायद उसकी नेगेटिविटी इधर ना आ जाए। ऐसी कोई बात, आपकी लॉट की एनर्जी कट जाती है, एक लॉट बन जाता है, उस लॉट के बाद में उसकी तरफ आप ध्यान नहीं दीजिए। हाँ, अपार्टमेंट्स की तरफ से हम जरूर काउंट करते हैं, क्योंकि वो जर्नल आता है, वो आप एक जगह से काउंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल लॉट है तो आपको अगर लेफ्ट साइड में अगर नॉर्थ वेस्ट आ रहा है, अब ध्यान से सुनिए, आपके नॉर्थ वेस्ट लेफ्ट में आ गया लेकिन जो आपका टेनेंट है उसको फायदा दे रहा है, उसका नॉर्थ ईस्ट में है वो। हाँ, आप ये देखिए ना, आपको जरूर आपको लग रहा है कि भाई नॉर्थ वेस्ट में है लेकिन आपकी प्रॉपर्टी से वो बाहर है, अगर ज्वाइंटली लेते तो आपको फायदा नहीं देता लेकिन उनको जरूर फायदा दे रहा है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्ट में आ गया। ओके, तभी बहुत है उनके पास मनी। आई होप योर नेबर्स और योर टेनेंट जो भी है वो, आई होप दे वेरी फ्रेंडली टू यू, और आप जाकर उनका पूल यूज कर सके, बिकॉज फायदा भी है। दे आर चाइनीज पीपल, या सो दे आर ओल्ड बट दे हैव लॉट ऑफ यू, वेरी वेरी नाइस, गुड फॉर यू देन। वेल, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग इन एंड स्टे ट्यून्ड। ओके, थैंक यू। लेते हैं अगला कॉल। हेलो, यू आर ऑन एयर विद रेवा जी। हेलो, हाँ जी, दिस इज माई फर्स्ट कॉल, आई जस्ट heard about your show, and my name is Hema from Fremont. I have one quick question, a very general question actually, most of the people might have. Agar aap Fremont mein dekhenge to you have most of them old homes and some of the new construction. So when you're trying to buy a old home or a new home, are there any specific things that you need to look, specifically if you're trying to buy an old home? This is a very good question. I really appreciate it. It's a very good question. Yes, if you're buying any old home, you have to see, first of all, because there are lots of beams. Lots of beams we are getting, especially in the Fremont. जितने भी इरा Fremont में घर हैं, अगर आप पुराने टाइप के घर लें, क्योंकि सारी beams के साथ में रुके हुए हैं, और वो जो beams हैं, वो बहुत ज्यादा stress लेकर आती हैं वहाँ की ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो सबसे पहले तो अगर आप ये देखें कि बीम्स को हम अवॉइड कर सकें तो बहुत अच्छा है, अदरवाइज यू हैव टू रेक्टिफाई, मीन्स यू कैन मेक अ फेक सीलिंग ऑल्सो, तो विजिबल होती हैं वो बीम्स। अगर आप फेक सीलिंग कर देंगे देन इट विल नॉट विजिबल। ओके, देन दिस बीम्स विल नॉट विजिबल, माय डियर। सो व्हाट यू हैव टू, यू कैन हैव टू मेक अ फेक सीलिंग। द सेकेंडरी इन द ओल्ड हाउसेज स्पेशली दे हैव टू सी द टर्मिनेक्स, बिकॉज दैट द वुड
if it is a old wood, termite. That, yes, it has to be. हाँ. If there is any termite is problem is there, वो आपको बहुत negativity देती है. आपको ये बहुत ध्यान देना, उसकी floor का city, I'm asking about that, जो उसकी soil है उसको जरूर चेक करें. एक तो जो सिटी सॉइल चेक करता है दैट इज टोटली डिफरेंट माई डियर. उसमें आप सीमा जी ध्यान नहीं दीजिए, वो तो जो सिटी का रिपोर्ट आएगा वो अलग होगा. इसके अलावा भी आप किसी भी वास्तु एक्सपर्ट को बुला के उसकी सॉइल को चेक कर सकते हैं कि वो पुराना घर है, कितना पुराना है, क्या उसकी हिस्ट्री है, क्या उसका है जो सॉइल है, क्या वो आपके लिए बेनिफिशियल है कि नहीं है. प्लस पुराने घर की हिस्ट्री को जरूर ध्यान में रखें कि आई क्रॉस माई फिंगर कि कहीं वहां पर कुछ ऐसा हादसा तो नहीं हुआ. वो भी आपको प्रॉपर्टी की एज, प्रॉपर्टी की सब चीजों के बारे में बहुत बताता है. जी हेलो, आर यू स्टिल देयर? जी थैंक यू फॉर द इन्फॉर्मेशन. सीमा जी, वन क्वेश्चन फॉर माय साइड. सीमा जी, सीमा जी, अगर आपको मैं बोलूं कि आप नया घर लेने जा रहे हैं फ्रॉम इन फ्रीमॉन्ट, सो इफ there are two choices for the three choices I'm giving you, which you will prefer, north, south or southwest? I know for east or west facing it's good for the house, definitely not the south, but I'm sorry, I really don't know the answer. Yes, you're right. So maybe you yes, you're right. That. Nee, nee, aapne bilkul sahi kaha, east is very good, but the south and the southwest we should avoid. We should go for the north, ईस्ट और द नॉर्थ ईस्ट. अगर आप ईस्ट से घर के अंदर से एंटर कर रहे हैं और वेस्ट की तरफ से बाहर निकल रहे हैं तो देट इज द बेस्ट. लेकिन अगर आपको वेस्ट में गैराज है और आप सोचे कि सुबह भी अगर आप वेस्ट से बाहर निकले तो वहां मैं कभी भी एडवाइस नहीं देती, वो आपको सक्सेस नहीं देता. ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द ईस्ट, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द नॉर्थ. शाम को चाहे आप साउथ की तरफ से गैराज से एंटर करें या वेस्ट से एंटर करें. ओके, एंड इफ यू हैव साउथ फेसिंग डोर बट हैव west-facing garage and you have also east-facing, east-facing that you can go out of the house, which would be the best? East is the best. Okay. Because that gives you the driving force, that gives you the prosperity, fame and name. Mm-hmm. East is the best, right? I think one last question, maybe it's again a very general question that most of the people might might be, for most of the people it might be useful, is हम जब हमारे इंडिया में या हमारे घरों के सामने रंगोली बनाते हैं एंड इफ यू ऑब्जर्व द रंगोली एवरीथिंग इज क्लोज सो देर इज नो ओपन लाइन एंड वाई इज दैट, व्हाट्स द होल मीनिंग ऑफ पुटिंग रंगोली इन फ्रंट ऑफ दैट्स वेरी गुड रियली. इसके ऊपर में मैं एक आज समय कम है लेकिन मैं आपका ये क्वेश्चन के ऊपर मैं पूरा आंसर एक एपिसोड पे दूंगी, पूरा शो करूंगी अबाउट ऑल द सर्कल्स. हमें रंगोली जो बनाना है इसका सही रंगोली अगर बनाना है तो इट शुड बी इन द स्क्वायर शेप, नॉट इन द राउंड शेप. ओके, कभी भी मैं देखती हूँ, मैं बहुत जगह पे देखती हूँ, दे आर मेकिंग अ सर्कल. सर्कल में कभी रंगोली नहीं होना है. रंगोली मीन्स टू गिव द, यू हैव टू टेक द एनर्जी फ्रॉम ऑल द फोर कॉर्नर्स. आपको मूव नहीं करना है. सो इफ यू आर मेकिंग का रंगोली और बना रहे हैं फोर कॉर्नर्स में, इट मीन्स यू आर गिविंग ए पूरा उसका जो श्री यंत्रा का शेप है वो दे रहे हैं. दैट इज रिलेटेड विद द लाइन्स, पैरेलल लाइन्स के साथ लाइन्स, पैरेलल लाइन्स के साथ में है और उसके 90-90 डिग्री चारों कॉर्नर्स होने चाहिए. लेकिन अगर आप राउंड रंगोली बनाते, बिकॉज आजकल फैशन है, सब लोगों ने डिजाइन करना शुरू कर दिया, लेकिन जो इसका पर्पज, जो इसका लॉजिक है इसके पीछे में, इट शुड बी ऑलवेज द स्क्वेयर. So let's do a proper show. Yes, I will do the proper show with the colors also, क्योंकि आगे festivals का time आ रहा है, गणपति time is coming. So आपको मैं colors बताऊंगी कि किस colors को use करें, original color का, and what is the उसका logic क्या है, उसका scientifically उसका colors हमारे को क्या represent करते हैं. And while making a rangoli, you have to keep these five elements of nature to get the best results. Okay. Okay. Thank you very much for calling in. Let's move on to our next caller. Hello, you are on air with Reva ji. Hi. Aap please radio band karenge background mein? Haan, band kar diya. Ji, bataiye. What's your name, sir, and what's your question? Yeah, my name is Shrikant, actually. We just recently bought a home, not in Bay Area, but other city. I have a question like... Revaji was talking about where the water source should be. But unfortunately, our house, what happened is we are facing north, and our input, the pipe is coming from the northwest,
And in the northeast side, we have got a electrical pole on the street. Mm-hmm. Okay, so this is what my question. That can be easily rectified. Nothing to worry. First of all, you have to see that the electrical pole is coming inside your property line, or that is the outside your property line. It is outside only. It's outside. It's very easy to rectify. Simple hai, bahut hi aasan tarika hai. Agar aap inside the property, the particular the northeast corner, ki jo pole ke aapki property ke andar ho, agar wahan pe aap tulsi laga dein to bahut hi acha hai. Agar aap tulsi nahi laga sakte hain, to aap ek simple wire laga dijiye. Matlab ki zameen mein, dig the earth and put a silver wire, particular jo electric pole ko cut off kar de us energy se. ओके आप उसको लगाइए, देयर इज नो प्रॉब्लम. ओके सो द लेफ्ट साइड व्हाट एवर द नॉर्थ वेस्ट साइड जो वाटर इनलेट पाइप है दैट्स ओके राइट. इट्स ओके, इट्स कोई प्रॉब्लम नहीं है उसका, बिकॉज उसका जो वाटर का फ्लो है इट इज कमिंग फ्रॉम नॉर्थ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट राइट द वाटर, बट सीवर शुड नॉट बी देयर. ये जरूर ध्यान देखें कि कहीं नॉर्थ की तरफ में सीवर तो नहीं आ रहा. अगर आपका वहां सीवर आ रहा है नॉर्थ नॉर्थ ईस्ट की तरफ में, देन यू गिव मी ए कॉल और जस्ट ईमेल इट टू मी, देन आई विल गिव यू अनदर रेमेडी. देन आई वोंट एडवाइज यू टू पुट टू कीप तुलसी ओवर देयर. सिल्वर मीनिंग सीवर, जहाँ पे सारा आप कह सकते हैं कि ड्रेन हो रहा है. Uh-huh. So sewer like nali where all the sewer, waste is sewerage, okay, sewer, okay, yeah, yeah. Sewerage. So if it is towards the north and northeast, then don't put tulsi there. No, it is going towards northwest. That is also going northwest. That is the best. That is very good if it is going towards the northwest. That's best. Okay. That is the best. Now, Shrikanji, there is one question from my side. Uh-huh. Very simple question I am asking you. I hope you are having a children. Yeah. Which direction is the best for the children to study? They need to face towards east. Wow, that's good. Very good. He's been listening to your show. That's good. Thank you so much for calling in, sir. Reva ji, हमारे पास में करीब 5 मिनट और बचे हैं, less than 5 minutes. मैं listeners को फिर से आपकी details देना चाहूंगी. Listeners, studio number is 5102708830. But if you would like to connect with Reva ji after the show, fix an appointment. You can call her on 5108683338. That's 5108683338, or you can also log on to her website, which is divinevastu.net, or send her an email on divineavc@gmail.com. Reva ji, aaj ka, I think we should be able to take one last call for today. See, last minute tak main kehti hu na, aapke show khatam hone ke baad bhi people keep calling. This have so much to ask you. Hello, you're on air with Reva ji. Hello, Reva ji, namaskar. Namaskar ji. मैं आपने अभी थोड़े टाइम पहले कहा कि साउथ में सिर होता है और पीछे विंडो नहीं होनी चाहिए जी. तो मैं थोड़े टाइम अपने बेटी के घर रहती हूँ, थोड़े टाइम बेटे के घर रहती हूँ जी. तो अभी वो मेरा बेडरूम है, वहाँ वो मेरे सिर के पीछे विंडो है, तो क्या चेंज करना चाहिए? देखिए, मैं बिल्कुल आपको एडवाइस करूंगी, चेंज करिए. एक तो आपको सो नहीं पाएंगी आप, कोई ना कोई स्ट्रेस माइंड में रखेंगी, कोई उल्टा सीधा सपना देखेंगी, मन उदास रहेगा. तो अगर आप उस विंडो को कुछ भी अंदर की तरफ से कोई प्लाई लगा के बंद कर सकती हैं तो बेहतर है. विंडो को बंद कर सकते हैं या बेड? नहीं, बेड तो साउथ में है तो नहीं चेंज कर सकते ना. हाँ जी, तो आपके पीछे में जो विंडो है उस विंडो को बंद कर दीजिए, परमानेंट बंद कर दीजिए विंडो को. पीछे अंदर की तरफ में लकड़ी लगा दीजिए, ठीक नहीं रहती. हाँ जी, अंदर की तरफ लकड़ी भी लगा दीजिए. ये भी देखिए कि अगर आपका हेल्थ ठीक नहीं है तो किस तरफ आपका बेडरूम है, बेटिया के घर में कौन सी डायरेक्शन में बेडरूम है, बेटे के घर में कौन सी डायरेक्शन में है. सो उस यहाँ मेरा साउथ में है. हेलो हेलो, इनकी कॉल ड्रॉप हो गई रेवा जी. अनफॉर्चुनेटली और कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, तो हमारे रैफल के जो विनर्स हैं, रेफल जी आप रैफल करवा लीजिए, तब तक मैं लिसनर्स को आपकी डिटेल्स जो है वो पूरी दे दूं. लिसनर्स, मैं आपको बता रही थी कि जब रेवा जी से अगर आप बात करना चाहें अपॉइंटमेंट फिक्स करने के लिए, यू कैन कॉल ऑन 5108683338, 5108683338, और यू कैन ऑल्सो लॉग ऑन टू हर वेबसाइट विच इज divinevastu.net.
रेवा जी हैज अ लाइव ब्लॉग ऑन हर वेबसाइट, तो कोई भी डिटेल्स अगर आप जानना चाहते हैं, कुछ भी उन्होंने शो में कवर किया हो, तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके वो ब्लॉग पढ़ सकते हैं। उसके अलावा अगर आप कोई पुराना शो सुनना चाहते हैं तो पॉडकास्ट पे भी अवेलेबल है। सारे शोज जब से रेवा जी ऑन एयर आ रही हैं तब से लेकर आज तक के सारे शोज पॉडकास्ट पे अवेलेबल हैं। और उनको अगर आप ईमेल करना चाहते हैं, एक प्रिलिमिनरी ईमेल विद योर हाउस का लेआउट या मैप अगर भेजना चाहते हैं, तो divineavc@gmail.com इज द वेबसाइट, इज द ईमेल एड्रेस। रेवा जी, डू वी हैव द विनर्स फॉर टुडे? जी हाँ, बिल्कुल अनाउंस करेंगे। आज हमारे पास काफी कॉलर्स ने कॉल किया, सबने अपना जवाब देने की कोशिश की। प्राइजेस हमारे पास में दो हैं आज, एक है रॉयल राइस पैक और एक है अरिजीत सिंह की फ्री पास। जी बिल्कुल, और जिन्होंने आज हमारा रॉयल राइस पैक जीता है वो है हमारे साथ श्रीकांत फ्रॉम श्रीनाथ, जिन्होंने लास्ट में फोन किया, श्रीकांत। ऑल राइट श्रीकांत जी, कांग्रेचुलेशंस, आपको मिलता है रॉयल राइस बैग। और बिंदु फ्रॉम सनीवेल, उनको मिलता है अरिजीत का। और राइट बिंदु, लकी गर्ल, अरिजीत सिंह के कॉन्सर्ट का फ्री पास मिलता है आपको। कांग्रेचुलेशंस टू बोथ द विनर्स। आप दोनों मुझे ईमेल भेज दीजिए एंड आई कैन टेल यू कि आप कैसे अपने प्राइजेस को क्लेम कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस है ira@radiozindagi.com, ira@radiozindagi.com। रेवा जी, आज का शो हमारे यहीं खत्म होता है। एनी पार्टिंग थॉट्स, एनी क्लोजिंग थॉट्स? जी हाँ, बस मैं यही कहना चाहूंगी सबके लिए कि जन्माष्टमी को बहुत ही अच्छी तरह से सेलिब्रेट करिए। और अगर आपने अपने घर में लड्डू गोपाल जी को लेकर आए हैं तो उनको अगर आपने पालने में बिठाना है तो नॉर्थ वेस्ट, मतलब कि अगर आप अपना देखें, अब तो बहुत ईजी है, ऐप डाउन कर सकती हैं, जहां आपको नॉर्थ वेस्ट नजर आता है लड्डू गोपाल जी को वहां पे बिठाइए और फिर देखिए जैसे ही एयर एलिमेंट के साथ में होंगे तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट द ब्लेसिंग्स। ऑल राइट रेवा जी, थैंक यू सो मच फॉर सच ग्रेट टिप, और इतना अच्छा शो आप हमारे लिए लेके आते हैं, हमेशा ऑन एयर आते हैं। लिसनर्स, आप रेवा जी के शोज हैं वो सुन सकते हैं। एक होता है वास्तु जीपीएस ट्यूसडे की सुबह 8:30 से 9 बजे रेडियो जिंदगी पे, रेवा जी आधे घंटे ऑन एयर आती हैं। उसके अलावा ये शो एवरी थर्सडे 2 से 3 रितेश जी के साथ में, 3 से 4 रेवा जी के साथ में। रेवा जी, हम आपसे मिलेंगे अब अगले थर्सडे को इसी टाइम पे, तब तक जय माता दी। जय माता दी। Harmonize your life with the principles of Vastu Shastra and make every moment of your life a celebration. With Vastu, life becomes an utsav. Visit divinevastu.net. Dr. Reva Kumar, your Vastu specialist.